नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन के अंदर। इस नए कोर्स सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और ये सॉल्यूशन रहेंगे आज के इस टॉपिक में रहेंगे चैप्टर 2 क्लास 12 सॉल्यूशंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनटेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई कहीं पे समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो सॉल्यूशन आपको दे पाऊं, उसका जल्दी आपको रिप्लाई कर पाऊं। फिर भी कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, आपको जो स्कूल में कराया गया, कोचिंग में कराया गया, उसको करिए, और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही यूजफुल रहती है आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए। तो आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पूरी सॉल्व करनी चाहिए, उसी के लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि आपको लिखे हुए सॉल्यूशंस तो हर जगह मिल जाएंगे। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस सॉल्यूशंस। तो अगर आपको कोई लगता है कि ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2.1। तो क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जब बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप डिजोल्व कर रहे हो, दोनों का अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ C6H6 निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कैसा हो, कैसे निकालेंगे? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आप बेंजीन का मास प्लस CCl4 का मास दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल मास आ जाएगा। तो इसको हमने फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया, मास ऑफ C6H6 यानी बेंजीन का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4। ठीक है, अब बेंजीन का मास आपको दिया हुआ है 22 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन का मास कैसे हो जाएगा, 22 प्लस 122 ग्राम। अगर आप इसको ऐड करोगे और सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 15.28 परसेंटेज। अब आपसे ये तो आपका मास परसेंटेज आ गया किसका, बेंजीन का, लेकिन आपको पूछा गया दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 तो कैसे निकालोगे? देखो टोटल परसेंटेज होगी 100, और टोटल 100% में से केवल इतना परसेंट पार्ट किसका है, बेंजीन का है, तो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट किसका होगा, CCl4 का। तो 100 माइनस पार्ट ऑफ बेंजीन, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 84.72%, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, बेंजीन का सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके अंदर 30% बाय मास कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले लेट कर लेते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। कितना मान लिया, 100 ग्राम, क्योंकि हमें दिया हुआ है 30% बाय मास, 30% बाय मास दिया हुआ है। बेंजीन कितना है इसके अंदर, 30% है, तो टोटल अगर मैं सॉल्यूशन का मास मान लूं तो वो हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। मास ऑफ बेंजीन आपका कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये 30% का मतलब क्या है, 30 इन आउट ऑफ 100, मतलब अगर आपके पास 100 वैल्यू होगी तो उसमें से 30 वैल्यू है। ठीक है, तो 30 आपका आ गया मास ऑफ बेंजीन। अब मास ऑफ CCl4 कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सॉल्यूशन 100 है, बेंजीन उसमें 30 है, तो CCl4 कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए, देखो बेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H6 होता है, तो उसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, तो ये तो याद भी होगा बेंजीन का मोलर मास होता है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, और यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास तो 30/78 करोगे तो आपका कुछ इतने मोल आ जाएंगे, 0.3846 मोल। ठीक है, अब आपको निकालना है मोलर मास ऑफ CCl4, मोलर मास ऑफ CCl4 आप निकाल लोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो उसका मोलर मास आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। अब इसके मोल्स निकालोगे तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट यानी 70 ग्राम डिवाइडेड बाय 154, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.4545 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मेरे को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बेंजीन के मोल ऊपर होंगे न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जो टोटल मोल है सॉल्यूशन के, उनसे हम उसको डिवाइड कर देंगे। और टोटल मोल कैसे निकालेंगे, जितना भी इंडिविजुअल सॉल्वेंट सॉल्यूट का पार्ट है उन सबके मोल्स को क्या कर दो, ऐड कर दो,
आपका यहाँ पे बेंजीन ऊपर आ गया 0.3846 डिवाइडेड बाय 0.3846 प्लस 0.4545। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेंजीन के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 0.458 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। पहले मैं आपको ए दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड में दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपने ए वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं, ए वाले में कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस, यानी कोबाल्ट है, CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट और ये नाइट्रेट और 2.6H2O। तो इसमें क्या करना है कि पहले आप मोलर मास निकालिए। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट का होता है 59, एन का होता है 14, ओ का होता है 16, तो इससे पूरा सॉल्व किया, साथ में H2O का होता है 18, तो 6 × 18। जब आप इसको सबको ऐड कर लोगे तो वैल्यू आएगी 291 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास किसका हो गया, इस जो गिवन कंपाउंड था इसका। ओके अब इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, 30 ग्राम वेट दिया हुआ है, 30 डिवाइडेड बाय 291 करेंगे तो अप्रोक्स 0.103 मोल आ जाएगा, ठीक है। और मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स आपका आ गया सॉल्यूट के कितने मोल्स आ गए 0.103 और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 4.3 लीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.023 मोलर, ठीक है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि आपके पास इनिशियली जो सॉल्यूशन है 0.5 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का 30 ml का, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूट करने का मतलब यह है कि उसके अंदर आप सॉल्वेंट को इंक्रीज कर रहे हो, सॉल्यूट के मोल एज इट इज जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि 0.5 ml H2SO4 का मतलब क्या है, कि अगर इसको हम ले लें, यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं 30 ml में कितने प्रेजेंट होंगे। तो 30 ml में प्रेजेंट होंगे तो सीधे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। मोलैरिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.5 ml H2SO4 सॉल्यूशन, तो आपके इतने मोल आ गए, ठीक है। अब ये जो मोल है ये डाइल्यूट करने पे चेंज नहीं हो रहे, मोल डाइल्यूट करने पे चेंज नहीं हो रहे। अगर मोल डाइल्यूट करने पे चेंज नहीं हो रहे और आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डाइल्यूशन जब भी हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी एसिड या बेस का, तो उसमें क्या होता है कि उसकी मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके अब इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोल्स तो आपके पास आ गए 0.015 मोल डिवाइडेड बाय 0.5 लीटर, इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 0.03 मोलर। ओके तो ये था हमारा पार्ट बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे डेटा जो है मोलल का है, तो मोलल मतलब मोलैलिटी की बात कर रहा होगा ये। अगर ये मोलैलिटी की बात कर रहा है तो हम इसको मोलैलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है, NH2CO NH2 गिवन है, तो इसका मोलर मास आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना हमारा डन हो गया। नेक्स्ट दे रखा है कि 0.25 मोलल एक्व सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हम मोलैलिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यहां पे क्या है, वाटर होगा, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर होगा। और वाटर यानी 100,000 ग्राम वाटर में कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, 0.25 मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, किसके, यूरिया के। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंट 0.25 मोल। अब हमारे पास इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि इस मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वेट आ जाएगा।
और वेट कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 60 करोगे तो 15 ग्राम यूरिया आ जाएगा। यानी अगर टोटल सॉल्यूशन का मैं वॉल्यूम मास निकालना चाहूं, यानी वेट निकालना चाहूं सॉल्यूशन का, तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम तो आपके पास वाटर है और 15 ग्राम आपके पास यूरिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1015 ग्राम। और उसके अंदर यूरिया की परसेंटेज कितनी है, 15 ग्राम यूरिया की परसेंटेज है। ठीक है, अब आगे दे रहा है कि 2.5 केजी में कितना होगा। देखो 1015 ग्राम में आपका इतना यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया है, तो 2500 ग्राम में कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 15/1015 इंटू 2500, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 37 ग्राम ऑफ यूरिया आ जाएगा, और ये जो 37 ग्राम ऑफ यूरिया है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कैसे निकाला, पहले आपने निकाले कि 100 ग्राम में कितना, ठीक है, मतलब 100 ग्राम में कितना यूरिया आपका डिसॉल्व हुआ, क्योंकि मोलैलिटी दी हुई थी। उसके बाद जो 100 ग्राम 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वही आपका सॉल्यूशन के अंदर भी उतना ही यूरिया होगा, तो टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद उसको यूनिटी मेथड निकाल लगा के आगे सॉल्व कर लिया।